तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी का पीएस केमर की एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू इंक्यूबेटर के ऊपर। तो आप लोगों को ये जो न्यू इंक्यूबेटर है, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 13 तारीख को, ठीक है। और आज है गाइस 12 तारीख, तो इसकी फुल लीक्स मुझे मिल चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूरा बंडल, ठीक है। तो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था बट कन्फर्म नहीं था, बट अब कन्फर्म हो चुका है। तो गाइस, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना और हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो गाइस, बोलते हैं हम लोग फर्स्ट बंडल की तरफ, क्योंकि यार ये बंडल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने भी अभी तक बनी का बंडल नहीं निकाला तो बनी का बंडल निकाल लेना, क्योंकि आज जो है उस इंक्यूबेटर में जो है 50% का ऑफ है, ठीक है। तो चलो अभी फर्स्ट बंडल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पिंक कलर का कॉस्ट्यूम है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम है, रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं उसके बाल की। तो यार बाल भी पिंक कलर के और रेड कलर के हैं, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और बाल तो काफ़ी अच्छे लगे, एडम कैरेक्टर के ऊपर उतने बढ़िया नहीं लग रहे, बट हम लोग जब दूसरा कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो काफ़ी सही लगेगा। इसके बाद में यहाँ पे मास्क की बात कर ले तो काफ़ी सही एनिमेशन दिया गया, बट उतना कोई खास अच्छा मास्क नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे शर्ट की बात करें तो शर्ट भी काफ़ी बढ़िया है, रियलिस्टिक है। तो यार ये तो इस शर्ट में जो दम है, तो यार आप लोग ले सकते हो ये वाली शर्ट, ठीक है। आप लोगों को आज रात को स्पिन करने में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया इंक्यूबेटर है, तो काफ़ी सही है। यार आप लोगों को ये शर्ट कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे पेंट की बात कर ले तो पेंट भी काफ़ी सही है, रियलिस्टिक लुक देखने को मिलता है यहाँ पे। शूज़ की बात करें तो शूज़ भी काफ़ी सही है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फीमेल कॉस्ट्यूम की तरफ देख ले तो गाइस, भाई साहब यहाँ पे बाल काफ़ी सही है यहाँ पे फीमेल के, तो बहुत ही बढ़िया है। एनिमेशन लुक भी है यहाँ पे, जैसे हम लोग हिलाते डुलाते हैं तो यहाँ पे जो बाल भी है हम लोगों को हिलते दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में मास्क है तो मास्क में भी एनिमेशन दिया गया है और काफ़ी सही है। बाकी फीमेल का कॉस्ट्यूम इस बार का जो है उतना बढ़िया नहीं है जितने कि हर बार के आते हैं। पिछली बार जो है अभी बनी का बंडल चल रहा है आप लोगों को मालूम है, तो उसमें भी जो है फीमेल का कॉस्ट्यूम काफ़ी सही है, बट इस बार का जो कॉस्ट्यूम है वो कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है। तो यार फीमेल की कॉस्ट्यूम की तरफ तो यार बहुत ही कम बंदे जाते हैं, बट आप लोग जा सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड बंडल की बात कर लें तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आप लोग देख सकते हो, ग्रीन कलर के हेयर्स हैं। इसके साथ में ही यहाँ पे नीचे बात कर लें मास्क की, तो मास्क भी ग्रीन कलर का है, इसमें एनिमेशन लुक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसकी शर्ट की बात कर लें तो शर्ट काफ़ी सही है, ठीक है, मतलब बहुत ही सही है, रियलिस्टिक टाइप से है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर की शर्ट है, तो ग्रीन कलर मुझे उतना कोई खास लगता नहीं है। आप लोग बताना आप लोगों को ग्रीन कलर कैसा लगता है, मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता, इसलिए ग्रीन कलर की शर्ट यार कोई खास नहीं लगी मुझे। और इसके साथ में पेंट में भी काफ़ी सही एनिमेशन दिया गया है, मतलब ग्रेनेड लगे हुए हैं साइड में और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो काफ़ी सही एनिमेशन है। मतलब जो मेल के बंडल्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया इस बार के रियलिस्टिक लुक देखने को मिलते हैं, बट फीमेल का कॉस्ट्यूम जो है, इसकी केवल जो है कैप और बाल ही मुझे सही लगे फीमेल की कॉस्ट्यूम के। बाकी तो यार आप लोग बताना आप लोगों को फीमेल का कॉस्ट्यूम कैसा लगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक करके सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे मास्क दिया गया है, ठीक है, इसमें एनिमेशन नहीं दिया है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इसके टॉप की बात कर लें तो टॉप भी उतना कोई खास नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बॉडी पे टैटूस बने हुए हैं और यहाँ पे जो है टॉप है, इसके साथ में नीचे जो है ग्रेनेड लगे हुए हैं उसमें भी एनिमेशन है, शूज़ हैं। अब इसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा सेकंड बंडल। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे थर्ड बंडल की बात कर लें तो थर्ड बंडल भी काफ़ी सही है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोग यहाँ पे बताना आप लोगों को कैसा लगा ये हेयर और इसके मास्क। हेयर ब्लू कलर के हैं, काफ़ी सही हैं, मास्क में कोई एनिमेशन नहीं है, ब्लू कलर का है। इसके साथ में यहाँ पे बहुत ही सही है ये वाला कॉस्ट्यूम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट नंबर का कॉस्ट्यूम सबसे बेस्ट लगा, इसके साथ में ही जो सेकंड नंबर का ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम था वो उतना सही खास नहीं लगा। इसके बाद में ये थर्ड नंबर का जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी सही देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये भी इसमें काफ़ी सही है। फीमेल का कॉस्ट्यूम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा बंडल जो है सबसे बेस्ट लगा। बाकी मुझे जो सबसे बेस्ट बंडल लगा वो लगा सबसे फर्स्ट नंबर का, इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे वो वाला बंडल। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा बंडल आप लोगों को अच्छा लगा और कौन सा बंडल आप लोग लेने वाले हो,
ठीक है। तो आज जो बनी का बंडल है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो न्यू इनक्यूबेटर है आज हम लोगों को रात को 11-12 बजे देखने को मिल जाएगा, मतलब 13 तारीख को। तो मैंने यहाँ पे ये कंफर्म लीक बता दी, ये वाला बंडल जो है अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आज 50% का ऑफ है, तो आज आप लोग स्पिन कर सकते हो। और ये वाला देखो, ये वाला दूसरे सर्वर में चल रहा है, ये वाला, ठीक है, डिनो का, तो ये भी काफ़ी सही है। अब देखना ये है कि मतलब देखना तो कुछ नहीं है, वही आएगा, ठीक है। ये अभी मैंने बता दिया, यही वाला बंडल आएगा, बाकी दूसरे सर्वर में वो डिनो वाला चल रहा है, तो फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना यार। वीडियो बनाने में मेहनत लगी और आप लोगों के लिए लीक्स निकाली है, तो यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।